स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024, मोदी जी ने बाजी पहले ही मार ली। बिना लड़े भाजपा ने जीती एक सीट। सूरत से मुकेश कुमार दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस के तरफ से जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द हो गया है। दोस्तों बड़ी खबर है, आज तक लोकसभा चुनाव में ये पहली बार ऐसे हुआ नहीं है। जब से भारत में आम चुनाव हो रहे हैं तब से कई प्रत्याशी अभी तक निर्विरोध चुन के आए हैं, पर ये भाजपा के इतिहास में, आज तक के इतिहास में आज़ादी के बाद से आज ये पहला मौका है जब भाजपा की तरफ से कोई भी सांसद निर्विरोध चुन के लोकसभा चुनाव में आया है। दोस्तों लिस्ट बताएं कि कौन कौन सांसद आए हैं अभी तक, कहाँ से हैं और किस स्टेट से आए हैं, पहले इस न्यूज़ को जानेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों ये है मुकेश कुमार दलाल जो कि सूरत से निर्विरोध चुन के आए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब लोकसभा चुनाव में कोई सांसद सीधे जीत के बिना निर्विरोध पहुंचेंगे दिल्ली। और आप देख सकते हैं कि इनको चुनाव आयोग की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल गया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बिना लड़े भाजपा ने जीती एक सीट। भाजपा ने बिना वोटिंग सूरत लोकसभा सीट जीत ली है। मुकेश कुमार दलाल निर्विरोध जीते। कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा हुआ रद्द। 8 ने नामांकन वापस ले लिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता खुल गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सोमवार को बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश कुमार दलाल निर्विरोध चुने गए। दरअसल यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया। उन्हें पर्चे में गवाह के नाम के हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। रविवार को 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस लिया था। दोस्तों इसके बाद जैसे ही 8 प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया, मुकेश कुमार दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। कांग्रेस ने वहीं कहा है कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, इस पर वह कोर्ट में जाएंगे। रविवार को दोस्तों ये है कांग्रेस के प्रत्याशी जिनका पर्चा रद्द किया गया है। नीलेश कुंभानी बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर दिनेश जो धानी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के पर्चे में प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षर कराए गए हैं, तो इसी कारण से उनका पर्चा रद्द हो गया। कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायत है। 22 अप्रैल को मामले की शिकायत चुनाव आयोग से किया गया है। उसके बाद वह हो सकता है कि कोर्ट भी जाए। मुकेश कुमार दलाल ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल की है। निर्विरोध चुने जाने पर मुकेश कुमार दलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष सी आर पाटिल का आभारी हूँ। मैंने लोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल की है। मैं वास्तव में अपने मतदाता और कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूँ। विरोधियों के बारे में इतना कहूँगा कि चीज़ें उनकी उम्मीद के मुताबिक होती तो अच्छा लगता, उम्मीदों के विपरीत काम होने पर उन्हें लोकतंत्र की हत्या नजर आने लगती है। कौन है मुकेश कुमार दलाल? सूरत सीट में से मुकेश कुमार दलाल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर बीजेपी की दर्शाना जो जरदोष पिछले 3 टर्म से चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर मुकेश कुमार दलाल को उनके जगह पर दी गई थी। दलाल बीजेपी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल के करीबी हैं। मुकेश दलाल पिछले 43 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और वो इस बार निर्विरोध चुने गए। दोस्तों बात करेंगे लोकसभा चुनाव में कैसा रहा है निर्विरोध चुने जाने वाले कैंडिडेट्स का हाल। 28 सांसद निर्विरोध पहले चुने जा चुके थे इससे पहले। अब ये 29वां सांसद हैं कि जो निर्विरोध चुन के लोकसभा में चुनाव में आएंगे। 5 सांसद पहले और दूसरे आम चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। 1976 के चौथे आम चुनाव में 5 सांसद बिना किसी चुनौती के चुने गए। 4 अब तक सबसे ज़्यादा सांसद जम्मू कश्मीर से निर्विरोध चुने गए हैं। यूपी से 7, तमिलनाडु असम सहित 7 राज्यों में 2-2 सांसद निर्विरोध चुने गए। वहीं सिक्किम और श्रीनगर से 2-2 सीटें निर्विरोध चुने गए। पार्टियों की आंकड़े की बात करें तो 20 सांसद कांग्रेस से निर्विरोध चुने गए हैं अब तक आज़ादी के बाद से। वहीं 2-2 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी से चुने गए। 1 निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव अब तक निर्विरोध हुआ है। वहीं बीजेपी से इससे पहले अभी तक कोई भी सांसद चुन के नहीं आए थे। यह पहला मौका है जब बीजेपी की तरफ से मुकेश कुमार दलाल चुन के आए। तो दोस्तों क्या मुकेश कुमार दलाल निर्विरोध चुन के जो आए हैं वो सही तरीके से आए हैं? क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है क्या वह गलत है? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा।
पर यहाँ बीजेपी का सीधा सीधा फायदा नजर आ रहा है। बीजेपी को एक सीट का फायदा गुजरात में हो चुका है और बीजेपी का खाता भी लोकसभा चुनाव में खुल चुका है। तो दोस्तों बात करेंगे इसी तरीके की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इस तरीके के वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ इस चैनल पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। मिलता है दोस्तों इसी तरीके की वीडियो के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।